और अब बात करेंगे करणपुर के रण की। श्री करणपुर चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह कुन्नर की जीत हुई है। रुपेंद्र सिंह कुन्नर 11,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। कांग्रेस का इस दौरान तंज भी। कांग्रेस ने कहा सरकार मंत्री बना सकती है, विधायक नहीं। क्या सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री बनाना उल्टा पड़ गया, ये बड़ा सवाल है। क्या श्री करणपुर की जीत की गूंज लोकसभा चुनाव तक जाएगी? क्या सहानुभूति कार्ड की आगे फेल हुई रणनीति? हालांकि राजस्थान उपचुनाव का इतिहास रहा है, सहानुभूति की लहर पर सत्ता पक्ष की भी हार होती रही है। किरण माहेश्वरी के निधन के बाद दीप्ति माहेश्वरी ने भी जीत दर्ज की थी। गहलोत सरकार के दौरान दीप्ति माहेश्वरी ने जीत दर्ज की थी। और ये जीत के बाद देखिए कांग्रेस ने उत्साह, यहाँ पर आतिशबाजी भी की गई, पटाखे फोड़े गए और खुशी मनाई गई, विक्ट्री का साइन भी दिखाया। कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं में एक जोश, ये जोश 2024 के चुनाव में कितना रंग लाता है देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कांग्रेस को एक संजीवनी मिल गई है, लेकिन बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। लाजमी है कि क्या मंत्री बनाना ही भारी पड़ गया, बहुत सारे सवाल। अब इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश जो है खुद बीजेपी भी करेगी, मंथन करेगी। सवाल तो ये भी है पदभार संभालेंगे या पद त्याग करेंगे टीटी? आखिर क्या होगा सुरेंद्र पाल टीटी का कदम? अब तक अधिकांश मंत्री संभाल चुके हैं पदभार, लेकिन पदभार संभालने से पहले ही हार गए टीटी। ऐसे में क्या सुरेंद्र पाल टीटी संभालेंगे पदभार या पदभार संभालने से पहले ही दे देंगे इस्तीफा? हालांकि 6 महीने मंत्री रह सकते हैं टीटी, लेकिन क्या टीटी की नैतिकता देगी इसकी इजाजत? तो वही श्री करणपुर विधानसभा चुनाव हार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान आया सामने। हार पर सीपी जोशी ने कहा कि हार के कारणों की वो समीक्षा करेंगे। हार गई वहां पर सरकार होने के बावजूद, क्या कारण रहा कि चुनाव नहीं जीत पाई बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी के कारणों की समीक्षा करेंगे, बहुत जल्दी आपको। देखिए कि टीटी के हारने के बाद कांग्रेस में कितना उत्साह और कुन्नर के समर्थकों में एक गजब की खुशी, एनर्जी दिखाई दे रही है आतिशबाजी करते हुए। और इस बीच ये सवाल बनता है पदभार संभालेंगे या पद त्याग करेंगे टीटी? आखिर क्या होगा सुरेंद्र पाल टीटी का खत्म? अब तक अधिकांश मंत्री संभाल चुके हैं पदभार, लेकिन पदभार संभालने से पहले ही टीटी हार गए। ऐसे में क्या सुरेंद्र पाल टीटी संभालेंगे पदभार या पदभार संभालने से पहले ही इस्तीफा दे देंगे? हालांकि 6 महीने मंत्री रह सकते हैं टीटी, लेकिन क्या टीटी की नैतिकता देगी इसकी इजाजत? ये बड़ा सवाल बनता है। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, क्योंकि देखिए टीटी जो है 6 महीने तक चाहे तो मंत्री रह सकते हैं, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि क्या टीटी की नैतिकता इसकी इजाजत देगी, क्योंकि अब तो वो हार भी चुके हैं। दरअसल तो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं, लेकिन सवाल कि अब सुरेंद्र पाल सिंह मंत्री बनाए, मंत्री रहकर के वो चुनाव लड़े, लेकिन क्या अब वो पदभार संभालेंगे? सरकार के अधिकांश मंत्री पदभार संभाल चुके हैं, जनवरी शुद्ध होने के बाद पदभार संभालेंगे, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को लेकर सवाल यह है कि क्या पदभार संभालने की नैतिकता या नैतिक साहस सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जुटा पाएंगे? दरअसल अब जब चुनाव हार गए तो फिर पदभार किस आधार पर संभालेंगे? क्या सरकार चाहेगी कि उन्हें 6 महीने मंत्री रखा जाए? क्या पार्टी आलाकमान से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी इस संदर्भ में बात करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? क्या वो पार्टी के आलाकमान से अनुमति लेंगे कि वो मंत्री रहें या नहीं रहें? और सरकार क्या सोचती है, क्या अब उनको साथ लेकर के कैबिनेट की बैठक में बिठा करके कोई फैसले लेने की सोच सरकार रखेगी? दरअसल सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को करणपुर की जनता ने नकार दिया है। पार्टी ने, संगठन ने, सरकार ने उन्हें चाहा, उन्हें मौका देना चाहा था, लेकिन वो अपना काम बेहतर तरीके से क्षेत्र में नहीं कर सके। और सुरेंद्र पाल सिंह टीटी से जब हमारी बात हुई 15
दिसंबर को जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा था मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा का, उस दिन उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाया हुआ था, उन्हें लग रहा था कि सहानुभूति लहर कोई असर नहीं करेगी, लेकिन यहाँ सहानुभूति लहर और कांग्रेस की रणनीति दोनों की असर कर गई, और वो इतना असर कर गई कि सुरेंद्रपाल सिंह टीटी विधानसभा नहीं पहुंच रहे। ये उनके लिए बड़ा झटका है और संभवतया राजस्थान ही नहीं देश के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब इस तरह किसी प्रत्याशी को मंत्री पद दिया गया और वो मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ने के बावजूद हार गया। हालांकि कांग्रेस ने इसकी शिकायत की थी, लेकिन निर्वाचन आयोग को कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ही चुनाव हार गए। अब राजनीतिक गलियारों में सवाल यह है कि क्या टीटी पदभार संभालेंगे या नहीं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन देखिए जाहिर तौर पर कांग्रेस को जैसे एक संजीवनी मिल गई है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं में खुशी है, और जैसे कि तमाम आप देखिए कि चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो समेत कांग्रेस के जो तमाम नेता, सब में एक खुशी देखी जा रही है। लेकिन ये जिस तरह से देखा जाए राजस्थान में जो है सहानुभूति की लहर हमेशा काम करती आई है, क्योंकि किरण माहेश्वरी वाला जो मैटर अगर आपको याद होगा तो वहां पर भी जो है निधन के बाद दीप्ति माहेश्वरी ने जीत हासिल की थी, तो ये जो है ये देखा गया सहानुभूति के साथ लोग जाते हैं। देखिए किरण माहेश्वरी का एक उदाहरण है, किरण माहेश्वरी के निधन के बाद दीप्ति माहेश्वरी जीती, कैलाश त्रिवेदी के निधन के बाद उनकी पत्नी गायत्री त्रिवेदी जीती, गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन के बाद उनकी पत्नी प्रीति शक्तावत ने चुनाव जीता, लेकिन हर जगह सहानुभूति फैक्टर नहीं चलता। गौतम मीणा जो दरियावत के विधायक थे, उनके निधन के हुए तो बीजेपी ने उनके पुत्र को चुनाव नहीं दिया, लेकिन बीजेपी हार गई। कन्हैयालाल के समर्थन में तब सहानुभूति लहर थी और अब कन्हैयालाल विधायक बनकर आए हैं, लेकिन तब सहानुभूति का फैक्टर पार्टी नहीं मान रही थी। हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं होता। अब इस चुनाव की भी आप बात कर लीजिए, करणपुर में शुरुआत में रूबी कुन्नर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे, पार्टी के लोग भी मानते थे कि रूबी कुन्नर चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, खुद कुन्नर कई बार आशंकित होते थे, लेकिन पार्टी ने भरोसा जताया, कुन्नर लड़े और सहानुभूति लहर काम कर गई, और ये सहानुभूति लहर इस तरह काम कर गई कि अब रूबी कुन्नर विधानसभा में पहुंच रहे हैं और ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जी ठीक है शशि, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।